For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Karma तो definitely hits back. ये तो मैंने कहा था, लेकिन Karma ने Paras को hit किया, लेकिन यहाँ पर Shehnaz और Siddharth यानी double S इनके बीच में हो गई है hitam hitty, यानी कि बहुत ज़्यादा heat हो गई है, heated argument हो गई है. Well, hello guys, welcome to Movies Adda. मैं हूँ ज्योति नाहक. और दोस्तों आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि Paras को बिग बॉस ने दंड दिया है कि वो 500 जूते, 20,000 का परफ्यूम लगाने वाला इंसान 500 जूते बैठ के पॉलिश कर रहा है बिग बॉस के घर में. वेल, अब इसमें वो दंड उन्हें क्यों दिया गया ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा पूरी तरीके से. लेकिन जेल के सदस्यों के लिए जब नाम पूछा गया बिग बॉस के थ्रू, तो सभी घरवालों ने Paras का नाम लिया. और फिर हम कट टू एक फुटेज देखते हैं जहां पर शहनाज नजर आ रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बात करती हुई कि अगर मैं तेरी जगह होती शायद तो मैं ऐसा नहीं करती, बिकॉज स्टैंड तेरे लिए ही लिया था. जिनको याद नहीं है मैं याद दिला दूं कि जब आसिम और सिद्धार्थ की बहस हो रही थी बार को लेकर, विम बार को लेकर और जेल को लेकर बर्तन धोने के लिए, वहां पर बात आसिम सिद्धार्थ से कर रहे थे, लेकिन Paras ने सिद्धार्थ का साइड लेते हुए कि बार की क्या जरूरत है जब जेल है और ये सारी चीजें, Paras कूदे थे उनके सपोर्ट में, नॉट इवन सपोर्ट रादर, बट उनके तरफ से बात की थी उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से. ऐसे में जब सिद्धार्थ ने उनका नाम लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरी लगी ये चीज, बिकॉज उन्होंने उनके लिए ही स्टैंड लिया था, ऐसा शहनाज का कहना है. और साथ ही साथ जब शहनाज ने ऐसे बोला तो फिर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा भड़क गए और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तू पागल है क्या, पागल कुछ भी बोलती है, पागल है क्या, दो लोग बात करें आपस में, मैं क्यों उनका नाम लूंगा, मैं क्यों ये चीजें बोलूंगा. तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने शहनाज से लड़ाई की और पहली बार शहनाज को डांटते हुए नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला. इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपका है, जाकर बताइएगा जरूर. और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.